नमस्कार आदाब। इस वक्त आप देख रहे हैं आजाद वीआईपी न्यूज। आज ऐसी घटना आपके सामने लाया हूं जो जनपद खुशीनगर उत्तर प्रदेश का मामला है। एक प्रेमिका जो 50 साल की विधवा है, एक 30 से 35 साल के युवक से प्यार मोहब्बत करने लगती है। प्यार मोहब्बत तो होता है हुजूर, चलिए ठीक है, लेकिन प्रेमी क्या करता है, प्रेमिका को दबाव बनाकर, जो प्रेमिका का आरोप है, दबाव बनाकर उससे मदद की कमाई जो थी, जो अपना बैंक में रखी थी, प्रेमी जो बैंक में नंबर रजिस्टर था वह नंबर अपने मोबाइल में लगा लेता है। उसके बाद एक नया सिम कार्ड खरीद कर 50 साल की जो प्रेमिका है उसके मोबाइल में लगा देता है। एक प्रेमिका के बयान के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि इन दोनों का प्यार परवान पर चढ़ जाता है। उसके बाद ये दोनों साथ में रहने लगते हैं, लेकिन मामला यहाँ से बिगड़ जाता है कि जब प्रेमी फरार हो जाता है प्रेमिका को धोखा देकर। प्रेमिका का सीधा सीधा कहना था कि आपकी उम्र 34-35 साल है, मेरी उम्र 50 साल है, तो उम्र का तो काफ़ी अंतर है, तो मैं कैसे आपसे शादी कर सकती हूँ। तो प्रेमी को प्रेमिका को लूटना था। प्रेमिका प्रेमी के झांसे में आ गई। उसके बाद प्रेमी ने प्रेमिका से शादी कर लिया। शादी कर लिया, चलिए ठीक है महाराज। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे दोनों साथ रहते हैं। प्रेमिका प्राइवेट कंपनी में काम करती है, उसका भी मैं बयान आपको दिखाऊंगा, वीडियो में चलता रहेगा वीडियो, उसका बयान आपको दिखाता रहूँगा। ये मामला उत्तर प्रदेश के खुशीनगर ज़िले का मामला है। अब सुनिए आगे, मैं प्रेमिका का आपको बयान सुनाऊंगा कि प्रेमिका कैसे माया जाल में फंसी। सुनिए। हाँ, ऑनलाइन से आपको बाहर नहीं जाने देते? नहीं, बाहर वो भी नहीं जाता था, बाहर अंदर ही थे, हमारी कमरे में बैठ थे, अंदर ही थे, वो भी अंदर थे। उसके बाद में 24 घंटे के बाद तीसरा दिन हमें नहा धो करके। अब प्रेमिका का सीधा सीधा आरोप है कि जो प्रेमी है 34-35 साल का, वह प्रेमी ऑनलाइन खाना मंगाता था, जैसे जोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, तमाम ऐसे ऑनलाइन ऐप है, उस ऐप के माध्यम से खाना मंगाता था। उसके बाद हम दोनों खाना खाते थे, वो मुझे बाहर नहीं जाने देता था। लेकिन बाद में प्रेमिका ने प्रेमी से दबाव बनाया, प्रेमी से कहा कि मेरी नौकरी छूट जाएगी। उसके बाद सुनिए आगे क्या है रिपोर्ट इस प्रेमिका के जवानी से। तो बोला कि तुम मुंह नहीं खोलोगी, कंपनी में जा रहे हो, किसी को कान में भनक नहीं लगना चाहिए कि हमने ऐसे किए, अगर भनक लग जाएगी तो तुम फिर मारा जाओगे। अब सुनिए, प्रेमिका का बड़ा आरोप है, प्रेमिका आरोप लगा रही है। प्रेमी कहता है कि ठीक है, तुम्हारे साथ जो हुआ चलिए ठीक है, लेकिन ये जाकर आप कंपनी में मत बताइएगा, नहीं तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। ये प्रेमिका का आरोप है, जिस तरीके से वीडियो में बयां कर रही है। ये मामला काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। और सुनते हैं, 50 साल की प्रेमिका को जब इश्क चढ़ा, इश्क का बुखार चढ़ा, पागल हो गई प्रेमी के चक्कर में, प्रेमी तो धोखा देकर फरार हो गया। अब सुनिए आगे इनकी क्या है बाइट में, और मैं हमारे जो मीडिया कर्मी है बड़े बारीकी से पूछ रहे हैं। कोई रिश्तेदार तुम्हारी रह रहा है, जो भी कुछ हूँ तो मैं ही हूँ, तो हम बोले कि क्यों किसी से हम बताने जाएंगे, नहीं बताएंगे, डर गए हम। जब चाकू को दिखाया तो हम डर गए उससे। चाकू भी दिखाया था? हाँ, तो अब हमने डर गए। डरने के बाद फिर मेरे मोबाइल वो दे दिया, मोबाइल दिया तो सिम निकाल लिया मेरे मोबाइल से, वो अपना सिम निकाल लिया, मेरा वाला सिम निकाल दिया, वो अपना वाला सिम एक नया लेकर के डाल दिया। अब सुनिए, प्रेमिका कह रही है कि प्रेमी मेरे मोबाइल का सिम कार्ड निकाल लिया, उसके बाद वह सिम कार्ड अपने मोबाइल में लगा लिया, मुझे एक नया सिम कार्ड लाकर मेरे मोबाइल में लगा दिया। तो आप छोटे से तो बच्चा है नहीं, उसके बाद जब आप बाहर गए कंपनी में जॉब करने गए, तब आपको पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, लेकिन तब आपने पुलिस का सहारा लिया नहीं, क्योंकि आपको इश्क का बुखार चढ़ा था। बुखार जब उतरेगा तब आप चिल्लाएंगे ना, अब बुखार उतर गया है, अब आप चिल्ला रही हैं। अब सुनिए आगे इनकी कहानी क्या है। नाम का सिम मेरे में डाल दिया और मेरा सिम ले लिया, वो बैंक से अटैच था मेरी सिम। लेने के बाद में फिर वो शाम को चेक इन करता था मोबाइल, हम ड्यूटी से आते थे, वो चेक करता था,
क्या चेक करता था मोबाइल, कि मोबाइल में किसका फोन आया है, किसको क्या बात किया है, रिकॉर्डिंग चालू रखता था उसमें। अच्छा। किससे क्या बात किया है, हम किसी के पास फोन ही नहीं करते थे, कहीं नहीं फोन करते थे, सिर्फ अपना ड्यूटी जाना, ड्यूटी से घर आना, फिर घर से ड्यूटी। अब सुनिए, प्रेम क्या कह रही है कि हमारे मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा के रखा था, मेरा फोन चेक करता था। अच्छा, आपने अभी अभी जस्ट आपने इनका बयान सुना कि इन्होंने कहा कि मुझे चाकू दिखाया, जान से मारने की धमकी दी, मेरे साथ दुष्कर्म किया, अपनी हवस पूरी की। आप ठीक है, चलिए यहाँ तक मैं मानता हूँ, लेकिन आप जब बाहर गई तब आपको पुलिस का सहारा लेना चाहिए था, तब आपने क्यों नहीं लिया? अब सुनिए आगे हमारे मीडिया कर्मी क्या पूछते हैं। जाना किसी से मतलब नहीं। फिर उसके बाद में शाम के टाइम फिर मेरे कमरे में आए और कहता है कि दिखाओ मोबाइल दिखाओ। हमने मोबाइल दे दिखे, लो वो रिकॉर्डिंग फिट करके रखता था, किससे बात हुआ है, क्या हुआ है कंपनी में। हम कुछ नहीं बोलते थे, मतलब ही नहीं था हमें, ड्यूटी से मतलब था, सिक्योरिटी लाइन में ड्यूटी से मतलब था। अब सुनिए इनका बयान सुनिए, ये अनपढ़ है ऐसा बयान दे रही है। इनका बयान का मतलब यह है आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू करके रखा था, आपको नहीं मालूम, आप बड़ी वाली मोबाइल चला रही हैं, आप सब कुछ जानती हैं, तब पर भी आप गुमराह कर रही हैं। हमारे जो मीडिया कर्मी हैं वो भी बहुत बारीकी सवाल पूछ रहे हैं, और सुनते हैं इनकी बयान क्या क्या कहती हैं और कैसे कैसे ये अपनी माया जाल फैला रही हैं। फिर उसके बाद में उस वहाँ पे बार बार ये गलत संबंध होने लगा। मैंने ठेकेदार था वहाँ के, आपकी मर्जी से होता था कि बस उसकी मर्जी, उसके मर्जी से। अब सुनिए इनका कह रहा है, इनका कहना है सीधा सीधा कि प्रेमी मेरे साथ दबाव बनाकर मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया। अब दुष्कर्म किया तो ठीक है भाई, लेकिन आपने ये बात अब क्यों बता रही हैं? इसके पहले तो आप पुलिस के दरवाजा खटखटा सकती थी। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री जी का क्या गलती, गलती इस महिला का है जो इन्होंने सहारा नहीं लिया, बाद में सहारा लिया। अब जानते हैं और क्या, क्योंकि इनको प्यार चढ़ा था, बुखार चढ़ा था, अब बुखार उतर गया है, अब ये रो रो कर बता रही हैं। सुनिए इनके आगे क्या है कहानी। हमारी मर्जी से नहीं, हमारी मन भी नहीं करता था, बस एक ही चीज़ हम दिखाई हमें दे रहा था कि हमारी फैमिली में क्या कहेगा। हमने बोले कि हमारी फैमिली क्या कहेगा और रिश्तेदार क्या कहेगा, ये चीज़ हो गया क्या कहेगा, शादी ये शादी के लिए बोल रहा है, फिर गलत कर्म भी कर लिया, फिर क्या कहेगा अगर जान जाएगा। तो बस यही चीज़ हमें खाई जा रहा था सोच सोच के। और ये क्या कहता था लड़का जो है, ये क्या कहता था? ये कहता था कि तुम्हें धोखा नहीं दूंगी मैं, कभी कभी धोखा नहीं दूंगी, जो मरण जीवन तुम्हारी साथ हूँ मैं, ये सब टेंशन तुम छोड़ दो एकदम। फिर मेरे बच्चों से फिर लड़ाई कर दिया, ये लड़ाई भी कर दिया, लड़ाई करने के बाद झगड़ा कर दिया, दो बार मेरी मायके होके आया है ये मेरे घर पे। आप लेके गई हैं? मेरे साथ गया था ये, हम मना की। आप सुनिए प्रेमिका का आरोप है इनके बच्चों के साथ प्रेमी ने झगड़ा किया, लड़ाई किया, इसके बाद इतना नहीं मन भरा, इसके बाद ये अपने मायके उसको लेके गई थी दो बार। अब सुनिए आगे क्या है कहानी। ये तो फिर भी मेरे साथ गया था, बोला कि नहीं जाऊंगी, तुम्हारे पति हूँ मैं, जाऊंगी। वहाँ पे क्या बन के गया था, आपके घर जब गया? हमारे घर गया था वहाँ दोस्त बन के, बोला कि हम किसी से नहीं बताएंगे कि तुमसे हम ऐसे किए हैं, हम किसी से नहीं बताएंगे, लेकिन जिसके बच्चे बड़े हो तो जान ही जाएगा। आप शादी भी किए थे आप दोनों लोग, कोर्ट में या मंदिर में, कहाँ क्या कैसे हुआ? नहीं, कोर्ट वोट में शादी नहीं किए, कोर्ट वोट में नहीं शादी किए, शादी का झांसा दिया लेकिन शादी उदी हम नहीं किए। झांसा देते रहा, बोल रहा है कि पैसे कमाओ, हम बढ़िया बिल्डिंग बनाएंगे, अपने घर का नलके का वीडियो भेजता था, बाथरूम तो है ना इनके यहाँ, लेटरिन बाथरूम है ना। अब सुनिए, शादी का झांसा देकर इनके साथ कई बार वो शारीरिक संबंध बनाया और उसके यहाँ टॉयलेट नहीं था। अब सुनिए क्या क्या कहती हैं ये मेन साहिबा। बता रहा कि देखो हमारे यहाँ नलके में कैसे किची पड़ा है, तुम यहाँ रह भी नहीं सकती, हमारे मकान देख लो, वीडियो में दिखा रहे, ये सब तोड़ ताड़ के हम बनाएंगे अच्छे से, एक गाड़ी निकालेंगे, बहुत सपना दिखाया, इतना सपना दिखाया ये कि कहने के बात नहीं। और अपने जब सपना वो दिखा रहा था तो आपको कैसा लग रहा था कि हकीकत बता रहा है वो? मुझे कुछ देर के लिए तो झूठा लग रहा था, जब उसके मम्मी पापा सब मेरे से बात कर रहे थे तब मुझे असली नजर आने लगा कि फैमिली जब मेरे से बात कर रहा है तो फिर असली है ये चीज। और उसका गलती हम पकड़ लेते थे तो मेरी पैर पकड़ लेता था वो। आपको पत्नी मानता था क्या वो? हाँ, पत्नी मानता था मुझे, वो पत्नी मानता था, किसी से बात तक नहीं करने देता था। बिल्डिंग लाइन में हम काम करते थे, अगर वो ऊपर में सुपरवाइजर है तो नीचे झांक के देखता था किससे बात करते थे, अगर वहाँ बिल्डिंग लाइन का जो बिल्डर है अगर थोड़ा सा हंस दिए उसके साथ में तो सीधा गाली देता था कि मादरचोद तुम काम करने जाती हो कि हंसने जाती है वो वहाँ।
किसी से भी बात करने नहीं देता था, ना हंसने देता था। वहाँ उसको बोलने का मौका नहीं मिलता था, तो शाम को रात में कमरे में आके बोलता था। कमरे में आपको कैद किया था वो, यानी एकदम किसी से फोन में बात नहीं करना, किसी से बोलना नहीं, सिर्फ अगर बोलना है तो उसी से बोलो, फालतू बात किसी से नहीं। क्या था बिल्डिंग लाइन है ये, कोई कौन लेडीज क्या कर रहा है उससे तुम्हारी कोई मतलब नहीं है। क्या आपको ये दुविधा आ गया कि आप थाने तक पहुंच गई और उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा 376-120 भी मुकदमा इसके ऊपर लगाया गया है, और ये कैसे मुकदमा, ये कहाँ से चालू हुआ है? ये कहाँ से सिलसिला चालू हुआ, ये गुड़गांव से ही चालू हुआ, ये गुड़गांव से चालू हुआ, ये हमें मानता नहीं था। ये धीरे 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 जब हमारी पैसे ट्रांसफर हो गया, इसको मैंने बोला कि चलो बैंक जाना है हमें, तो कहते क्या करने बैंक जाओगी, बैंक बहुत दूर है, क्या करने जाओगी। कितना पैसा आपके लिए था? 294,000 रुपया। उसमें आपको पता था? हाँ, मेरे पहले पति का पैसा था ये, उसका पैसा नहीं था। आपको पता था कि वो आपका पैसा ले रहा है, पता था ये बात? नहीं, वो बात हमें पता नहीं था। हमारी ATM उनके पास था और मोबाइल हमारे जब था उनके पास, उसमें नेट बैंकिंग बनाया था हमारे सामने, बोला कि किराया कितना बार बैंक जाएंगे, तो किराया उराया निकाल के मकान मालिक को देना, सब पता। जब हमारे केस को दबाने का कोशिश किया, कहता है तुम अपने एज देखो, तुम्हारी बच्चे हैं उनका एज देखो, तुम क्या बिल्डिंग में सब रहेगा तो तुम सबको फंसाओगी क्या, पुलिस वाली ऐसे हमसे कह रहा था। हम लोग ऐसा कुछ नहीं है, जो गलत है गलत है, जो गलत किया है गलत है। यहाँ पे आप कुशीनगर में आई हैं तो पुलिस के पास गई थी? हाँ। पड़रौना उसका पोस्ट पड़ता है। हाँ। और पुलिस के पास गई थी, पुलिस क्या कह रही थी? ये पुलिस में हम रविंद्र नगर गई, मैंने तो बैठा तो हमने पूछा कि विशाल सर कौन है, तो बोल रहा है कि विशाल सर साहब को लेके गया हुआ है। तो हमने इंतजार किए, जब इंतजार किए तो आया, तो मैंने मिला उससे, तो कह रहा था कि एक एप्लीकेशन लिख के बोलो इसको, एक एप्लीकेशन लिखेगा और लिख के देगा थाने में। तो हमने एप्लीकेशन लिखे और ये FIR कॉपी हमने लगा दी है उसमें, लगा के और फिर बोला कि महिला थाना को दे दो, जो रविंद्र नगर पहुँचे। फिलहाल आप जिस तरीके से इस प्रेमिका की आपने बात सुना, इनकी उम्र 50 साल है, प्रेमिका उम्र 30 से 35 साल है, ये बता रही हैं। सीधा सीधा आज के समय में बिना महिला के कोई भी लड़की हो या कोई भी हो, बिना उसके इशारा से, बिना किसी, आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते। इसमें जिस तरीके से कानून इतना तगड़ा है, महिलाओं के प्रति काम कर रहा है, और इनका सीधा सीधा आरोप है शादी का झांसा देकर मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया, अब मेरा 294,000 रुपये लेके फरार हो गया। फिलहाल इनके जो प्रेमी था उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया है, पुलिस से कार्रवाई कर रही है, दबिश ढाल रही है। अब देखिए आगे पुलिस क्या करती है, इस प्रेमिका को न्याय मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। फिलहाल प्रेमिका दर दर भटक रही है। फिलहाल हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी? और हाँ, मैं आप लोगों को ज़्यादा गुजारिश करना चाहता हूँ, इस हमारे वीडियो को इतना शेयर करिए, लाइक करिए, कि ताकि यह वीडियो लोगों के बीच में जाए जो इधर उधर भटक रहे हैं, अपने सही दिशा में आए। फिलहाल एक मेरी अनोखी रिपोर्ट थी, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।